इधर से भी आप मंदिर आ सकते हैं। अगर जोत जर रहा है दोस्तों, ये 4580 जोत है। साइड है दोस्तों यज्ञशाला इधर, और दोस्तों ये है चंडी माता मंदिर। इधर आकाश झूला है, इधर ड्रैगन झूला है, इधर है बजरंग बली जी की प्रतिमा बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हुलाल जी और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको लेकर के आया हुआ हूँ महासमुंद बाग बहरा स्थित चंडी माता मंदिर, और आज आपको दिखलाऊंगा चंडी माता मंदिर को। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखलाते हैं चंडी माता मंदिर। दोस्तों ये सीधा जाती है आपका चंडी माता मंदिर, इधर चली जाती है बाग बहरा की तरफ, और इधर है बूढ़ा देव मंदिर। तो हम लोग बूढ़ा देव मंदिर जाएंगे और बूढ़ा देव का दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बूढ़ा देव मंदिर आइएगा तो आपको सामने ही ये नंदी का बड़ी सी मूर्ति मिल जाएगी, और इधर आपको मिलेगी दो सिंह और एक हाथी इधर सामने ही ऐसे। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं बूढ़ा देव भगवान का। और दोस्तों ये है बूढ़ा देव महादेव, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। जय भोले बाबा। और मंदिर प्रांगण कुछ ऐसा है भाई, ऐसा दिखता है। देखिए इधर से मैं आपको चारों तरफ से घूम करके दिखलाता हूँ, कुछ इस टाइप का है। जस्ट है चंडी माता मंदिर के बगल में ही है, उधर से जाते हैं चंडी माता मंदिर। तो चलिए अब दर्शन करवाता हूँ मैं चंडी माता मंदिर की ओर जाते हैं हम लोग। तो इधर निःशुल्क आप लोग पार्किंग लगा सकते हैं, ध्रुव गोंज समाज द्वारा ये। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे की तरफ, और हम लोग जा रहे हैं अभी अब चंडी माता का दर्शन करने के लिए। और इधर आपको दुकानें भी लगी हुई, तो मैं आपको दिखलाता हूँ, आप लोग प्रसाद वगैरह भी इधर खरीद सकते हैं। ये देखिए इधर है दुकानें, ये इधर भी है और आगे भी है बहुत सारी। तो आपको दिखलाता हूँ मैं, आपको जहाँ मर्जी वहाँ आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। और इधर से ही जाते हैं चंडी माता मंदिर, इधर प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। जींस वगैरह की भी दुकानें आई हुई है और आगे भी है। कहाँ से आए आप लोग? रायपुर से आए हैं ना आप लोग? अच्छा, 300 का दो जींस ना। अच्छा कहाँ? कौन? बॉम्बे सेल रायपुर में ना। 150 का एक देते हैं, 300 का दो देते हैं, ब्रांडेड जींस रहता है लीवाइस का। ठीक है। और इधर भैया एक से बढ़कर एक टेडी बियर है और गुड्डे गुड़िया भी आई हुई है, तो इधर आप लोग आ करके खरीद सकते हैं। यहाँ मेला के साथ साथ खरीदारी भी कर सकते हैं। इधर है भाई चंडी माता मंदिर, आपका हार्दिक स्वागत करती है। इधर से चंडी माता मंदिर की तरफ जाते हैं, थाल ढकने के लिए एक से बढ़कर एक आई हुई है भाई, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। और सजावट के सामान हैं इधर, कपड़ा वगैरह भी खरीद सकते हैं इस साइड में आ करके आप लोग। फैंसी आइटम भी आपको मिल जाएगा, ये चूड़िया वगैरह देख सकते हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक चूड़िया भी है इधर। इधर भी गुड्डे गुड़िया आई हुई है। और यहाँ है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, 60 रुपया थाली, तो आप लोग खा सकते हैं यहाँ आ करके। और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं इधर घूमने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए। इधर भी है बहुत सारी दुकानें, इधर एक से बढ़कर से एक चीज़ आया हुआ, आप लोग यहाँ खरीद सकते हैं आ करके। इधर डोसा भी मिल रहा भाई, डोसा खा सकते हैं। दोस्तों चंडी माता परिसर में झूला भी आया हुआ है, तो आप लोग ये झूला वगैरह भी झूल सकते हैं। ये देखिए उधर आकाश झूला है, इधर ड्रैगन झूला है, इधर है बच्चों लोग के लिए झूला, कुछ बच्चे लोग भी झूल भी रहे हैं वहाँ, तो मैं आपको दिखलाता हूँ। इधर आप लोग मेरा मेला परिसर में ही आप ये चाट वगैरह खा सकते हैं, चाउमीन है, भेलपूरी टिकिया है। उधर आई हुई है ब्रेक डांस झूला उधर, और उसका दाम है मात्र 40 रुपीस, तो आप लोग यहाँ आ करके झूला झूल सकते हैं इधर आ करके।
इधर भी बच्चों लोग के लिए आया हुआ है, इधर बाइक झूला है और कार झूला है, इधर देख सकते हैं। और इधर है आकाश झूला, छोटा सा झूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लगा नहीं है यहाँ। और उधर है मंदिर, कुछ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, देखिए इसमें झूला में। को दर्शन करवाने जाऊंगा भैरव बाबा का, तो चलिए देखते हैं भैरव बाबा को दर्शन करते हैं। जय भैरव बाबा, आप लोग भी दर्शन कीजिए घर बैठे। जय भैरव बाबा। और उधर है दोस्तों बिरालाय मंदिर, दोस्तों यह है बिरालाय और इसमें हनुमान जी का मूर्ति है, आपको भी दर्शन करवाता हूँ। जय बजरंगबली, आप लोग भी दर्शन कीजिए और इधर भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, ये सब आया हुआ शंख वगैरह देख सकते हैं सब। चश्मा वगैरह की भी दुकानें आई हुई है, बेल्ट भी है। और देखिए कितना अच्छा इसको सजा दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है रोज भालू आते, मतलब कि रोज भालू आता है यहाँ। और इधर आपको मिल जाएगा शीतल पेय जल इधर। और यहाँ लिखा हुआ कृपया जूता चप्पल यहाँ रखें। और दोस्तों यह है चंडी माता मंदिर, आपको मंदिर जाइएगा तो पहले स्वागत में आपका ये दो सिंह खड़े रहते हैं ऐसे, और इस साइड भी मैं दिखाता हूँ, दोनों तरफ में सिंह है ये, तो देखिए। चलिए दोस्तों मैं आपको अब दर्शन करवाता हूँ चंडी माता का, आप लोग भी दर्शन कीजिए इस नवरात्र। चलिए चलते हैं आप मंदिर की तरफ में। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी, आप लोग भी दर्शन कीजिए इस नवरात्र माता चंडी का, आपकी सभी मनोकामना पूरी करे चंडी माता। जय माता दी। और इधर आप मन्नत का नारियल बांध सकते हैं इस साइड में, और इस साइड में भी बांध सकते हैं। जय माता दी। और इधर दोस्तों आपका भालू आता है इस साइड में, काली गुफा जाने का रास्ता, तो हम लोग जाएंगे काली गुफा की तरफ और दर्शन करेंगे माता का। और इधर से जाते हैं माँ काली गुफा है ये। जय माँ काली। और ऐसा बना हुआ भाई चट्टान ही चट्टान है अंदर, तो ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए माता का। जय माँ काली। अरे चट्टान है देख सकते हैं इधर। और इधर से हम लोग जाते हैं बाहर की तरफ, ऐसे करके परिवेश बहुत ही सुंदर भाई, बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखिए ऐसा। और इधर भी आपको दिखलाता हूँ मैं। और दोस्तों इधर गार्डन है, तो आप लोग गार्डन में भी एंजॉय कर सकते हैं, देखिए बच्चे लोग फिसल पट्टी पे एंजॉय कर रहे हैं, झूला भी झूल रहे हैं, तो इधर भी आ सकते हैं आप लोग, बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत भी बढ़िया है एरिया ये, तो इधर भी आप लोग आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा आदमी सब भी आया हुआ है इधर। और ये भाई नंगाड़ा देख सकते हैं ये, अच्छे चेतावनी लिखा हुआ, भालू एक वन्य प्राणी है, उसे खिलाने व छूने की कोशिश ना करें, ऐसे माता जी का नंगाड़ा है ऐसे। और इधर हम लोग जाएंगे आगे और दिखलाएंगे आपको जोत जर रहा है उसको, साइड है दोस्तों यज्ञशाला इधर। और इधर नवरात्रि महोत्सव हो रहा था, इसमें लोग माता का सेवा में लगे हुए हैं, जस गीत वगैरह गाते हैं इधर से यहाँ। और ऐसा लगा हुआ कुछ लोगों का भीड़, मैं दिखलाता हूँ ये देखिए ऐसे।
जय माता। इधर ज्योति कक्ष है तो दिखलाता हूँ मैं आपको ज्योत कक्ष। इधर ज्योत जर रहा है दोस्तों, ये 4580 ज्योत है। माता का दर्शन करने आए तो ज्योत देखने जरूर आइएगा, बहुत बड़ी संख्या भाई, 4580 ज्योत, माता की कृपा ही है। चलिए चलते हैं और जगह को दिखलाता हूँ मैं आपको। देखिए मंदिर परिसर कुछ ऐसा भाई, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, देखिए साफ सफाई हो ही रहा है। और दोस्तों यहाँ शाम को भालू भी दर्शन करने आते हैं माता का, तो मैं आपको भालू का दर्शन भी करवाऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक। दोस्तों मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, रॉकी स्ट्रक्चर है पूरा, बहुत ही सुंदर परिवेश है मंदिर के बाहर का, बहुत ही साफ सुथरा भी है। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखलाता हूँ, इधर से भी आप मंदिर आ सकते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं पूरा रॉकी स्ट्रक्चर है भाई इधर, देख सकते हैं पूरा। मैं भी खड़ा हूँ और चट्टान पे ही खड़ा हूँ, ये देखिए पूरा चट्टान है इधर, और उधर रोड भी है बहुत ही सुंदर रोड, चकाचक रोड है एकदम। अरे रोड सीधा चली जाती है ये बाग बहरा। इधर है बजरंग बली जी की प्रतिमा बहुत बड़ी, दिखलाता हूँ मैं जा करके आपको नज़दीक। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कीजिए बजरंग बली जी का, जय बजरंग बली जी की। और ऐसा सीन है भाई यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा, मैं चारों तरफ आपको दिखलाता हूँ ऐसा टाइप का है। इधर भी देखिए और अभी शाम का समय है और कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर का, देख सकते हैं लोगों का भीड़ आ पड़ी है ऐसा करके है कुछ। दोस्तों हम लोगों ने माता का दर्शन तो कर लिया लेकिन भालू का दर्शन नहीं कर पाए और दिखाई नहीं दिया, हम लोगों ने करीब 6:30 बजे तक इंतज़ार किया। तो दोस्तों वीडियो का एंडिंग यहीं करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ में, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।